राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कार्यक्रम सब मिल करें सफाई। प्यारे बच्चों, जानते हो आज हम क्या करेंगे? बताओ। कौन बताएगा? अरे हाँ हाँ, बताओ ना। सुने तो, आप आज क्या करेंगे? दीदी, आज हम कहानी सुनेंगे। नहीं दीदी, कहानी नहीं, गाना सुनेंगे। मैं तो रेलगाड़ी का खेल खेलूंगा। लो भाई, ये तो सब अलग अलग बात कर रहे हैं। अच्छा चलो मैं बताती हूँ। हाँ दीदी, आप ही बताइए। आज हम ड्राइंग करेंगे। हाँ, क्या करेंगे? ड्राइंग करेंगे। हाँ, क्यों भाई, ड्राइंग करोगे ना तुम सब? हाँ, मजा आ जाएगा। ड्राइंग करने में तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो चलो अपने अपने रंग निकालो। हाँ हाँ, अरे ड्राइंग करने के लिए कागज भी तो निकालो। हाँ चलो निकालो। हाँ दीदी, मैं तो चिड़िया बनाऊंगा। और दीदी, मैं बिल्ली बनाऊंगी। अच्छा, मैं बताऊं क्या बनाऊंगा? मैं तो मम्मी बनाऊंगा। और मैं तो घर बनाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, सब बनाना, जो अच्छा लगे वही बनाओ। चलो 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 बनाओ। देखा, तूने रंग भर लिए? हाँ, और तूने? मुझे अपना लाल रंग दे देना। अच्छा ले ले, मगर खराब नहीं करना। ठीक है, मैंने तो बना लिया। देखो जी, मैंने रंग भी भर लिया है। हाँ, अच्छा बनाया है। दीदी दीदी, देखो तो मैंने क्या बनाया है। अरे वाह, ये तो तुमने घर बनाया है। वाह वाह, बहुत अच्छा बनाया है। और राजू, तुमने क्या बनाया है, देखे तो जरा। अरे अरे, क्या कर रहे हो राजू? ओहो, तुमने अपनी ड्राइंग का कागज क्यों फाड़ दिया? मेरी ड्राइंग खराब हो गई थी दीदी, मैंने उसे फाड़ दिया। अरे अरे राजू, ये फटे हुए कागज इधर उधर क्यों फेंक रहे हो? उठा लो इसे। अच्छा आओ, मेरे साथ उठाओ। शाबाश, आओ। हाँ चलो चलो, अब इसे कूड़ेदान में डाल दो। अच्छा बताओ तू, कूड़ा व कटे हुए कागज कहाँ फेंके जाते हैं? कहाँ फेंके जाते हैं? हाँ हाँ बताओ। नहीं मालूम। नहीं मालूम? अच्छा हम बताते हैं, कटे हुए कागज और कूड़ा कूड़ेदान में डालते हैं। किसमें डालते हैं? कूड़ेदान में। शाबाश। नहीं नहीं, मत काटो कागज, इधर उधर मत फेंको कागज, उड़ उड़ कर फैले हैं कागज, कमरा गंदा करें ये कागज, इसीलिए तो कहते हैं सब कूड़ेदान में डालो कागज। नहीं 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 नहीं, मत काटो कागज, इधर उधर मत फेंको कागज। नहीं 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 नहीं, मत काटो कागज, इधर उधर मत फेंको कागज, उड़ 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 कर फैले कागज, कमरा गंदा करे ये कागज, उड़ 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 कर फैले कागज, कमरा गंदा करे ये कागज, इसीलिए तो कहते।
समझे? हाँ दीदी। क्या समझे? कूड़ेदान में डालो कागज के टुकड़े। शाबाश। ये देखो, तुम लोगों ने ड्राइंग करते करते कितनी गंदगी फैला दी है। कहीं रंग, कहीं पेंसिल, कहीं फटे हुए कागज के टुकड़े, सब कुछ बिखरा पड़ा है। सारी जगह गंदी कर दी है। देखिए तूने फैला दी। चलो पहले हम सब मिलकर इसे साफ करते हैं। हाँ दीदी। चलो आओ सब मिल करें सफाई, साफ करें जो गंदगी छाई। कहीं पड़ी है रंग स्याही, कहीं पड़े हैं कागज भाई। पानी से हम करें धुलाई और करें फिर इसकी सफाई। हाँ दीदी। अच्छा चलो आओ सब मिलकर गाएं। हाँ दीदी। आओ सब मिलकर सफाई, साफ करें जो गंदगी छाई। तुम भी आओ। अरे अरे तुम वहां दीवार के पास खड़े क्या कर रहे हो? और मोनू तुम दरवाजे के पीछे क्यों छिपे बैठे हो? अरे तुम बोलते क्यों नहीं? क्या कुछ शैतानी की है। अरे अरे क्या कर रहे हो वहां? जरा देखें तो। अरे इधर तो आओ, तुम्हारे हाथ में क्या है? अच्छा ठीक है, मैं ही आती हूं। अरे अरे ये क्या कर दिया तुमने? दीदी मैंने दीवार पर रेलगाड़ी बनाई है, ये देखो। और दीदी मैंने तो अपना नाम लिखा है, ये देखो, मोनू मोनू। मैं तो रंग से फूल बना रहा हूँ, अच्छा है ना दीदी? अरे फूल तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, मगर ये दीवार क्यों गंदी कर दी तुमने? दीदी हमने दीवार को गंदा थोड़े ही किया है। हाँ दीदी। तब ये क्या किया है तुमने? ये तो ड्राइंग बनाई है। बच्चों ड्राइंग तो बनाई है ठीक है, मगर ड्राइंग दीवारों पर नहीं बनाई जाती, इससे दीवार गंदी हो जाती है। बच्चों दीवार पर नहीं लिखना चाहिए। क्यों दीदी? दीवार गंदी होने से क्या होता है? देखो भाई, अगर तुम दीवारों और दरवाजों को गंदा करोगे तो देखो तुम्हारा स्कूल कितना गंदा लगेगा। कैसा लगेगा? गंदा लगेगा। हाँ, जैसे तुम दीवार पर ड्राइंग बनाकर दीवार गंदी कर देते हो, वैसे ही अगर तुम्हारी कमीज पर या तुम्हारी फ्रॉक पर कोई लिख दे तो तुम्हारी फ्रॉक गंदी लगेगी ना? हाँ दीदी। हाँ बताओ बताओ, फ्रॉक या कमीज गंदी लगेगी ना? हाँ दीदी गंदी लगेगी। तो बस वैसे ही दीवार भी गंदी लगती है। मैं तो रोज अपने घर की दीवार पर लिखता हूँ, उस पर चिड़िया बनाता हूँ, फूल भी बनाता हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। क्या तुम अपना सुंदर सा घर भी गंदा करते हो? देखो जो दीवार तुमने गंदी कर दी उसे धोकर साफ भी नहीं कर सकते। मम्मी तो रोज मना करती है,
लेकिन मुझे तो दीवार पर लिखने में बड़ा मजा आता है। मैं दरवाजों पर भी लिख देता हूँ, टेबल पर भी और पापा की किताबों पर भी। ओहो, तब तो तुमने घर की दीवार भी गंदी कर दी और दरवाजे भी। अब बताओ कैसे साफ करोगे? दीवार तो साफ होगी नहीं। दीदी, ये सोनू तो रोज दीवार पर लिखता है। अच्छा, और ड्राइंग भी करता है। अब से कभी नहीं लिखेगा, क्यों सोनू? हाँ, ये तो अच्छा बच्चा है। क्यों सोनू, अब तो दीवारों पर नहीं लिखोगे ना? नहीं दीदी, अब कभी दीवारों पर नहीं लिखूंगा। शाबाश। देखो, जो अच्छा बच्चा होता है वो दीवारों और दरवाजों को गंदा नहीं करता, ड्राइंग को तो अपनी कॉपी में बनाते हैं। कहाँ ड्राइंग करते हैं? कॉपी में। हाँ, क्यों बच्चों, अब अच्छे बच्चे बनोगे ना? हाँ दीदी, अब हम कभी दीवार दरवाजे गंदे नहीं करेंगे और कूड़ा भी कूड़ेदान में डालेंगे। शाबाश। जगह जगह जो गंद न डाले, जगह जगह जो गंद न डाले, दीवार दरवाजे करे न काले, दीवार दरवाजे करे न काले, कागज काट काट ना फेंके, कागज काट काट ना फेंके, बच्चों स्कूल में, घर में, कहीं भी दीवार गंदी नहीं करनी चाहिए। हाँ दीदी, इधर उधर कहीं कागज ना फेंको, साफ सफाई रखो, साफ सफाई की आदत बनाओ। जहाँ हम पढ़ते हैं, बैठते हैं, वहाँ गंद कभी नहीं फेंकना चाहिए। हाँ दीदी। ये हमारा स्कूल है प्यारा, सबसे बढ़िया सबसे न्यारा, ये हमारा स्कूल है प्यारा, सबसे बढ़िया सबसे न्यारा, इसमें बच्चे पढ़ने आते, पढ़ते लिखते खेल खिलाते, इसमें बच्चे पढ़ने आते, पढ़ते लिखते खेल खिलाते, आओ मिलकर इसे सजाए, इसको सुथरा साफ बनाए, आओ मिलकर इसे सजाए, इसको सुथरा साफ बनाए। सब मिल करें सफाई। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर वीनु भल्ला, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, भाग लेने वाले कलाकार वीना होरा, हेमंत होरा, यमन कौशिक, मालती कौशिक और नीरजा गुलेरिया, संगीत दिनेश प्रभाकर, गायन स्वर शुभा मुद्गल, बाल गायन स्वर संदीपा अरोड़ा, तृष्णा अरोड़ा, कल्याणी, विशेष और अक्षत, ध्वनियांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर।